Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पोको M3 प्रो के अंदर आप कैसे स्क्रीनशॉट को टेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह भी करके बताएंगे पोको M3 में स्क्रीनशॉट की, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ उसको तुरंत के तुरंत एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताने वाले हैं आप इस फोन के अंदर कैसे लॉन्ग स्क्रीनशॉट को टेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको कई फीचर बताएंगे स्क्रीनशॉट के इस फोन में। चलिए फ्रेंड्स बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है इस फोन में वो है 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना। तो आपको 3 फिंगर स्क्रीन पे डाउन करना होते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाता है। बहुत ही अमेजिंग स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप बना सकते हैं 3 फिंगर से। आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है स्क्रीनशॉट लेने का, वो है वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन। दोनों को आप एक साथ यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब फ्रेंड्स आपका जो कंट्रोल बार है आप इसको ओपन कराते हैं तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा बेसिक फीचर स्क्रीनशॉट का। अब फ्रेंड्स आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं ये हम आपको और बताते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम सेटिंग के अंदर। यहाँ पर हम सेटिंग का स्क्रीनशॉट लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेके बताएंगे आपको। कोई भी यहाँ पे स्टेप अपनाना है स्क्रीनशॉट का तो आप पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट टेक कीजिए। आपको उसके नीचे स्क्रीनशॉट के नीचे देखने को मिलेगा स्क्रॉल, उस पर क्लिक करके आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। तो इससे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्रॉल होगा। इसको ऑटोमेटिक न करके आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप इसको स्क्रॉल करा सकते हैं। तो आपको जितना बड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए यहाँ पे अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल करके आप सेव करा सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट को एडिट भी करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई भी नॉर्मल स्क्रीनशॉट यहाँ पे टेक किया। नॉर्मल स्क्रीनशॉट टेक करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना होता है। अब इसको आप क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पूरा स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, आपको इतना चाहिए तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरीके आपको पेन का आइकन दिखेगा, इस पर आप एरो वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और टाइटल वगैरह लिखना चाहते हैं तो टाइटल का आइकन पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे टाइटल ओपन हो जाता है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे टाइटल वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसकी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको स्क्रीनशॉट के। छोटा बड़ा भी आप इसको करा सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ ब्लर वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं दिखाना चाहते तो इस तरीके से उसको ब्लर भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस फोन के अंदर आप स्क्रीनशॉट को टेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।